বিগ নিউজ সবার আগে সবার সাথে कोरोना को इस समय एक दूसरे को दोष देने से बचना चाहिए क्योंकि स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसके बजाय आपको सावधान रहना चाहिए। राज्य के पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज उत्तर दिनाजपुर जिले के कालीगंज के भाजपा उम्मीदवार सोमेन रॉय के समर्थन में यह बात कही। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अब भी ऐसा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, इसलिए पहले कुछ दिनों में सामने आई एंटीडोट की आपत्ति भारत के अलावा कई पड़ोसी देशों को दी गई है। उन्होंने कहा कि इस समय हर किसी को अधिकतम मास्क पहनने और अपने हाथों को बार बार धोने के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सोनार बांग्ला को इस बार भाजपा के नेतृत्व में कोई नहीं रोक सकता। अभी जो विधानसभा निर्वाचन चल रहा है पश्चिम बंगाल में, उसमें आप दीदी को कितना वोट से हराएंगे? अमित भाई ने पहले एक आंकड़ा दे दिया है, इस बार 200 पार। और जहां तक मैं गलियागंज में खड़ा हूं, यहां भारतीय जनता पार्टी की जीत 100% तय है। यहां पर जब कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ था, तब इस पार्टी में अंदर में कोई झंझरा लगा हुआ था? मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों का कोई अर्थ ही नहीं बचा है। कुल मिलाकर चुनाव अभियान तेजी पर है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। वर्तमान में कोरोना परिस्थिति क्या है? कोरोना में सबको सावधानी रखनी चाहिए, मुझे लगता है कि हम सबको भी रखनी चाहिए। मास्क लगाएं, बाकी चीज़ों की चिंता करें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा, यही सबसे बेहतर रास्ता है। अगले चुनाव में जो होना है, दीपा दास मुंशी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री का आरोप लगा रहा है, उसके कारण कोरोना बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि जो जिस स्तर पर है वहीं तक बातें करें तो अच्छा होगा। बिग न्यूज सवार आगे सवार साथे।